दोस्तों आपने देखा होगा कि लाइफ में कुछ लोग तो इतने सफल होते हैं कि करोड़ों अरबों कमा रहे होते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो गरीबी और अभाव में जी रहे होते हैं। तो आखिर क्यों ऐसा होता है? ऐसी क्या बात है जो एक सफल इंसान को दूसरे से अलग करती है? नेपोलियन हिल की इस किताब में आपको इस बात का आंसर मिल जाएगा। नेपोलियन हिल ने बहुत सारे स्टडी के बाद ये किताब लिखा है। नेपोलियन हिल ने बहुत से सफल लोगों की लाइफ को स्टडी करके इस किताब को लिखा है। इस किताब में ऐसे 15 रूल्स बताए गए हैं जिसे आप फॉलो करके अपने लाइफ को सक्सेस की ओर ले जा सकते हैं। इस किताब की स्टोरी को जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल पर जाके आप और भी बहुत सारे बुक्स की स्टोरी को समझ सकते हैं और अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि 16 ऐसे लेशन के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में जो कि इस बुक का निचोड़ होगा, और लास्ट में एक निष्कर्ष के थ्रू सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी को। दोस्तों बहुत बार कोई हमसे पूछता है कि हमारी लाइफ में गोल क्या है। बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं उन्होंने अभी सोचा नहीं है। आपको भी अगर यही प्रॉब्लम है, आप भी यही उत्तर देते हैं, तो इसे चेंज कीजिए। आज ही बैठकर सोचें और अपनी लाइफ के गोल को चुनें। जो भी आपका सपना है उसके बारे में सोचें। नौकरी चुनना गोल नहीं होता, हाँ वह एक पड़ाव जरूर हो सकता है। अपना सही गोल चुने और उसे पाने के लिए ये 3 स्टेप फॉलो करें जैसे कि इस बुक में दिया गया है। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है अपने गोल को एक कागज पर लिखें, सिर्फ दिमाग में ना सोचें। सेकेंड पॉइंट में बताया गया है अपने गोल को पाने के लिए आप क्या सक्रीफाइस कर सकते हैं। क्या आप सोना कम कर सकते हैं या दूसरों से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं? टीवी छोड़ सकते हैं? मोबाइल ज्यादा चलाना छोड़ सकते हैं? नई सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ सकते हैं? इत्यादि, इन सबको भी एक कागज पर लिख लीजिए। चलिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। दिन में कम से कम 12 बार अपने गोल को याद कीजिए। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को याद हो जाएगा कि आप उससे क्या चाहते हैं, और वो उसी दिशा में काम करने लगेगा और आपको क्रिएटिव आइडिया देने लग जाएगा। और सब जानते हैं एक आइडिया जिंदगी बदल देता है। चलिए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं जिसमें बताया गया है बिलीव इन योर सेल्फ। चलिए सेकंड पॉइंट में क्या है उसे विस्तार पूर्वक समझते हैं। अगर आपको लाइफ में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। आपको बिलीव करना होगा कि आप भी रिच और सक्सेसफुल बन सकते हैं। पर बहुत से लोग डरते रहते हैं जिससे कि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि इंसान को 6 तरह के डर हमेशा सताते हैं। फर्स्ट में बताया गया है द फियर ऑफ द प्रॉपर्टी, गरीबी का डर। सेकंड पॉइंट में बताया गया है द फियर ऑफ द ओल्ड एज, बुढ़ापे का डर। एंड थर्ड पॉइंट में बताया गया है द फियर ऑफ द क्रिटिसिज्म, यानी कि बुराई का डर। फोर्थ पॉइंट में बताया गया है द फियर ऑफ द लॉस ऑफ लव, प्यार खोने का डर। फाइव पॉइंट में बताया गया है द फियर ऑफ द सिकनेस, बीमारी का डर। एंड लास्ट 6 पॉइंट में बताया गया है द फियर ऑफ डेथ, मौत का डर। दोस्तों अगर आपको भी यह डर सताते हैं तो हमेशा खुद को पॉजिटिव ऑटो सजेशन दें, जिसे सेल्फ टॉक यानी कि खुद से बातचीत करना भी कहा जाता है। हमेशा पॉजिटिव बोलने से आपके हर डर खत्म हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंट बढ़ जाएगा। हमेशा अपने डर का सामना करना सीखें, इससे जीत आपकी होगी। अगर गिरने के डर से आप साइकिल चलाना छोड़ देते हैं तो क्या आप साइकिल सीखने में सफल हो पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो यही एटीट्यूड रखकर अपने गोल की तरफ बढ़ें। हजार बार गिरे लेकिन हजार बार उठने का दम रखें। चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि बताया गया है गेट इन द हैबिट ऑफ शेयरिंग। चलिए समझते हैं इस पॉइंट को। बहुत से लोग पहली सैलरी आते ही गाड़ी या महंगी आइटम्स लेने लग जाते हैं जिससे अनेक खर्चे बढ़ जाते हैं। जैसे गाड़ी की वजह से हमेशा पेट्रोल के लिए खर्च करना पड़ता है, घर के लिए लोन भरना पड़ता है। इससे लोग कभी भी सेव नहीं कर पाते और हमेशा गरीबी में जीते हैं। लेखक ने एक फॉर्मूला दिया है जिसमें बताया गया है कि आपको अपनी सैलरी का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। चलिए हम लोग समझते हैं एक एक करके। मान लीजिए सेविंग आपके पास 20% है, घर के खर्चे 50% है, शिक्षा 10% है, ऐशो आराम 10%, लाइफ इंश्योरेंस 10%, मिलाकर आपके पास टोटल 100% हो गया। कुल मिलाकर 100% हो गया। और लेखक का कहना है कि अपनी इनकम का केवल 10% सेव करना चाहिए। अगर आपकी इनकम बाय द वे 40,000 है तो उसमें से अगर 10% आप सेव करते हैं तो आपको 4,000 रुपये सेव करना चाहिए। तो दोस्तों आप भी आज से इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना सीखिए, सेविंग से आप रिच बन सकते हैं। चलिए फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, बिकम अ लीडर। दोस्तों वही लोग सफल होते हैं जो लीडर की तरह सोचते हैं। क्या आप ऐसा सोचते हैं?
एक लीडर की तरह काम करने के लिए आप ये दो चीज़ें कीजिए। चलिए फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है, जो भी आपका गोल है उसे अचीव करने की डिटेल्ड प्लान बनाइए। सेकेंड पॉइंट, फिर उन स्टेप को अचीव करने के लिए एक्शन लें। जैसे अगर आपको फिल्मों में एक्टर बनना है तो क्या करेंगे, पहले पेपर पे लिखिए कि शुरू से आप क्या क्या करेंगे। जैसे कि जाते ही कोई छोटी जॉब करेंगे, प्रोडक्शन हाउस की लिस्ट बना लीजिए जहां ट्राई करेंगे इत्यादि। इसके बाद लोगों को विजिट करना स्टार्ट कीजिए, 100 लोगों से मिलिए, 1000 लोगों से मिलिए, लेकिन मिलिए जरूर। बहुत से लोग यही मात खा जाते हैं, अगर 10-20 रिजेक्शन हो जाते हैं तो वो रुक जाते हैं। ऐसे कभी सफलता नहीं मिलती, 1000 रिजेक्शन के बाद भी मत रुकिए, तभी आप एक लीडर की तरह सोच पाएंगे और काम कर पाएंगे और सफल हो पाएंगे। अच्छा लीडर कभी रुकता नहीं है, बल्कि हौसला रखकर आगे बढ़ते रहता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि नंबर 5 है। उसमें बताया गया है, वी क्रिएटिव। सफलता पाने के लिए हमें क्रिएटिव बनना चाहिए। क्रिएटिविटी वैसे तो जन्मजात होती है, लेकिन जिंदगी में एक्सपीरियंस भी आदमी को क्रिएटिव बना सकते हैं। जो दुख या सफरिंग हमें मिलते हैं उनमें भी हमें नए आइडियाज आते हैं। जब हमने कोई प्रॉब्लम झेली होती है तो कई बार हमारे दिमाग में उसका सलूशन भी आ जाता है। ऐसे ही कई प्रोडक्ट्स की भी डिस्कवरी हो जाती है। क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए ऐसी चीज़ें सोचें जो आज तक किसी ने ना किया हो, ना सोचा हो। हमारे आसपास काफ़ी ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनमें क्रिएटिविटी पता चल सकती है, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, होटल्स, ओला, उबर इत्यादि। तो आप भी अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाइए, लेकिन जिस तरह तानसेन बनने के लिए पहले कामसेन बनना पड़ता है, वैसे ही आप जितना हो सके अच्छी किताबें पढ़िए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो नंबर 6 है, वी इंथुसियास्टिक। इस अध्याय में लेखक कहते हैं, कोई भी काम हो उसे जोश के साथ करें। बहुत से लोग काम का नाम सुनते ही चेहरा लटका लेते हैं। जब आप अपने काम में रुचि नहीं रखेंगे तो वो पूरा कैसे होगा। इसके लिए काम को स्टेप में बांट लीजिए, बीच में ब्रेक लेते रहें, काम को मजेदार बनाइए और हमेशा बोलें आई लव माय जॉब। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 7 है, डेवलप सेल्फ कंट्रोल। इस अध्याय में लेखक कहते हैं, आत्मसंयम सीखें। जोश से आपका अपना काम तो होता है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल उसे सही डायरेक्शन में रखता है। जैसे सुबह जल्दी उठें, कहीं भी जाना हो टाइम से पहुंचे, काम को अधूरा ना छोड़ें, टाल मटोल ना करें, बंक ना मारें, गॉसिप ना करें, फालतू का टीवी ना देखें, सोशल मीडिया से ज़्यादा ना चिपके रहें इत्यादि। ये सब ऐसे काम हैं जिन्हें करने या ना करने के लिए आपको सेल्फ कंट्रोल करना होगा, तभी आप सफलता को पा सकते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ बताया गया है कि अगर कोई लेखक सारा दिन टीवी देखता रहे तो क्या वो कभी नोबेल लिख पाएगा, या कोई सीईओ टाइम से ऑफिस ही ना जाए तो क्या कंपनी की ग्रोथ हो पाएगी। नहीं, लाइफ में सफल होने के लिए आपको पंक्चुअल बनना पड़ेगा, मस्ती मजाक का सक्रिफाइस करना होगा। एक बार सफल हो जाएं तो फिर जैसे मर्जी वैसे लाइफ जी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 8, डू मोर देन यू आर पेड फॉर। पैसे के लिए काम ना करें, बल्कि सीखने के लिए करें। मान लीजिए आपको कोई कंपनी लगानी है और आप वैसे ही किसी कंपनी में जॉब कर लेते हैं, तो आप वहां पर ऐसा बर्ताव मत कीजिए जिससे लगे कि आप सिर्फ पैसा कमाने आए हैं। जितना बोला जाए उससे ज्यादा कर दें, हो सके तो बाकी लोगों की हेल्प कर दें। इससे लोग आपको पसंद करेंगे, आप भीड़ में स्टैंड आउट रहोगे और जल्द ही आप इनर सर्कल में इंटर कर जाओगे, जो सफलता के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनर सर्कल के लोग ही आपको असली ज्ञान दे सकते हैं। जैसे कि किसी को फिल्म डायरेक्टर बनना है तो बहुत से लोग पहले असिस्टेंट का काम करते हैं, उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं, लेकिन उन्हें सफल होना है, वे मन लगाकर वो काम करते हैं, सबकी मदद करते हैं, हमेशा स्माइल करते हैं। ऐसे लोग जल्दी अपना गोल पाने में सफल हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 9th नंबर पॉइंट, डेवलप अ प्लेजिंग पर्सनैलिटी। सफल बनने में आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अहम भूमिका निभाती है, इसलिए आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करें। इसके लिए आप कपड़ों से स्टार्ट करें। आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनी में काम करने वाले लोग हमेशा ब्रांडेड और फॉर्मल कपड़े पहनते हैं, उनकी एक खास ड्रेस कोड होती है। इससे उनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है और लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे कपड़े पहने, लेकिन 20 घटिया शर्ट लेने से अच्छा है क्वालिटी की 4 शर्ट ले लें। इसी तरह खुद को साफ रखें, बॉडी ऑर्डर का ध्यान रखें, खुद को ग्रूम करने का कॉस्मेटिक इत्यादि सामान भी खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक्सटर्नल अपीयरेंस से ज़्यादा इंटरनल ब्यूटी मायने रखती है, ये बात को आपको याद रखनी चाहिए। हमेशा मुस्कुराएं, गर्मजोशी से बात करें, सहानुभूति दें, दूसरों की हेल्प करें इटीसी। इन सभी गुणों को आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा देंगे,
इससे आप अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत फेमस हो जाएंगे, बहुत आउट ऑफ ग्रोथ करेंगे, आपका नेटवर्क भी बनेगा, जो सफलता के लिए बहुत ही जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 10th नंबर, थिंक क्लियरली। आजकल की दुनिया में हमारे चारों ओर इतना शोर है, सच झूठ है, कि कोई भी इंसान आसानी से गलत डिसीजन ले सकता है। सारी एडवर्टाइजमेंट में आपको काफी झूठ बोला जाता है, मीडिया आपको तरह तरह से मैनिपुलेट करता है। इसके लिए आप फैक्ट्स को दो भागों में बांट लें, फर्स्ट पॉइंट रिलेवेंट फैक्ट्स, सेकंड पॉइंट इरेलेवेंट फैक्ट। जो रिलेवेंट फैक्ट यानी कि जरूरी हो उन पर ध्यान दें, इरेलेवेंट पॉइंट्स के बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट ना करें। मान लीजिए आपने कैंसर पर कोई यूट्यूब वीडियो अपलोड किया है और कोई कमेंट्स में लिखता है कि कैंसर से मरने की दर इतनी है और आपने गलत बताया है, और इसके बाद कोई गाली लिख देता है, तो आपके लिए ये रिलेवेंट फैक्ट हुआ। कैंसर की दर क्या है उसे चेक करके अगर आपको सच लगता है तो एडिट करके उन्हें बता दीजिए और उनसे माफी मांग लीजिए। लेकिन गाली को पढ़कर अपनी रातों की नींद ना खराब करें, क्योंकि इस तरह के इंसान आपको हर मोड़ पर हमेशा और दुनिया में मिलते रहेंगे। उन्हें सिर्फ इग्नोर करें और अपने अगले वीडियो को तैयार करने में लग जाएं। ऐसे ही कैरियर डिसीजन लेने में भी क्लियर सोचें। ऐसा ना हो कि चार दोस्त बोल दे कि तुम गजब की एक्टिंग करते हो और आप चने की झाड़ पर चढ़ जाएं और झोला उठाकर बिना प्लानिंग के बॉलीवुड में चले जाएं, और इस तरह से सिर्फ फुटपाथ पर सोना पड़ेगा और मिलेगा 40-50 साल का स्ट्रगल, और इसके बाद भी शायद कोई बात ना बने। इसलिए क्लियर सोचें कि आप में सच में टैलेंट है या लोग सिर्फ दोस्ती की वजह से आपको इस तरीके के भाव उत्पन्न करके बता रहे हैं, क्योंकि थ्रेशोल्ड टैलेंट तो सब में ही होता ही है। सफल बनने के लिए आपका टैलेंट थ्रेशोल्ड से ऊपर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 11, कंसंट्रेशन या फिर फोकस। सफलता पाने के लिए आपको अपने गोल पर पूरी तरह से फोकस करना पड़ेगा। अर्जुन और चिड़िया की आंख वाला किस्सा तो आपने सुना ही होगा, उसे ही फोकस कहते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा पहले एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर वो ना चले तो अगले महीने छोड़कर एक नया स्टार्टअप करते हैं। इस तरह एक साल में 36 बिजनेस कर लेते हैं वो। ऐसे लोग अंत में बर्बाद होकर रह जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि लोग सिर्फ फोकस करना नहीं जानते इसलिए दोस्तों सबसे पहले अपना मनपसंदीदा गोल चुने और फिर उस पर पूरी तरह से जुड़ जाए। कम से कम 1-2 साल तक उस काम में लगे रहें। इसलिए जितना हो सके आप 1-1.5 साल तक अपने कंटेंट पर ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं, कोऑपरेशन वर्क विद अदर्स। अगर आपने गोल या स्टार्टअप में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो दूसरों के साथ काम करना सीखना होगा, लेकिन अपनी टीम को सोच समझ कर चुने, क्योंकि सभी मेंबर्स का गोल और इंटरेस्ट एक जैसा होना चाहिए। इंटरव्यू करके आप ऐसे लोग को ढूंढ सकते हैं, फिर आप उनकी हेल्प करें, तभी वे सब आपकी भी हेल्प करेंगे। हर किसी में कोई ना कोई स्किल जरूर होनी चाहिए, इसका फायदा आपको जरूर होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 13 पॉइंट, फेलियर लर्न फ्रॉम मिस्टेक। ऐसा क्या कहा जाता है कि बिजनेस में कोई भी फेलियर नहीं होता, वे तो लेशन होते हैं, क्योंकि हर फेलियर आपको यह सिखाता है कि यह तरीका काम करेगा या नहीं। उससे सबक लें और फिर नया तरीका खोजें। जैसे शुरू में अगर ब्लॉगिंग आपने ब्लॉग पोस्ट का लिंक सोशल मीडिया पर कॉपी करके पेस्ट करते हैं, इससे उनका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, तो इससे वो सीख जाते हैं कि ट्रैफिक लाने में स्पैमिंग काम नहीं करती। ऐसे ही हर फेलियर कुछ ना कुछ सिखाता जरूर है, उससे सीखें और आगे बढ़ें। निराश होकर रुकना गलत बात है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, टॉलरेंस। दोस्तों सहनशील बने, फिर चाहे वो किसी रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जेंडरल सेक्सुअल ओरिएंटेशन इत्यादि की बात हो या किसी की गलती पर रिएक्ट करने की, सभी में आपको सहनशील बनना चाहिए। हर तरह के व्यक्ति को अपनाइए, सबके साथ समान बर्ताव कीजिए, स्टीरियोटाइप में ना फंसें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। संकुचित विचार वाले व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अगर किसी तरीके से किसी से गलती हो जाए तो उन्हें सुधारने का मौका दें, ना कि आपा खोकर चिल्ला पड़े, इससे कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 15, द गोल्डन रूल कहा गया इसे। यह रूल कहता है कि खुद के अंदर झांके, खुद को सफल बनाने की हिम्मत और जज्बा लाएं। इस रूल को ना समझने के कारण ही करोड़ों लोग असफल हो जाते हैं और लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई सब्जी बेचने वाला सारी उम्र सब्जी ही बेचता क्यों रहता है, या चाय बनाने वाला चाय ही क्यों बेचता रह जाता है, क्योंकि वे अपने अंदर नहीं झांक पाते हैं, ये नहीं सोच पाते हैं कि वे सफल बन सकते हैं। जबकि ऐसे भी लोग हैं जो कुछ बड़ा करने की हिम्मत करते हैं। ऐसे लोग चाय का ही फ्रेंचाइजीज चला रहे होते हैं और करोड़ों कमा रहे होते हैं। इसलिए दोस्तों आलस छोड़ें और एक्शन लें और विश्वास करें कि आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो सकता है उसमें समय लगे, लेकिन लगे रहें,
तो सफलता एक दिन आपके कदम जरूर चूमेगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 15 पॉइंट को क्लियर किया है। चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं, उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत दुख की बात है कि ज्यादातर लोग ये कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर वो कौन है और वो क्या करना चाहते हैं। वो एक मीनिंगलेस जीवन जीते हैं जिसका कोई मकसद ही नहीं होता। वो बस सक्सेसफुल लोगों को और ज्यादा सक्सेसफुल होता हुआ देखते रहते हैं। इस बुक में हमने सीखा कि सबसे पहले हमें खुद को ठीक से जानने की जरूरत है। हमारे अंदर कौन सा टैलेंट है, हम कौन सा काम अच्छे से कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। खुद को समझने के बाद एक गोल सेट करना चाहिए। ये गोल आपको कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल बनाने के लिए पुश करता है, आगे बढ़ाता है, खासकर अगर आपके पास पावर इमेजिनेशन होती है तो। और साथ ही इसमें बताया गया है, अगर आप एक बॉस हैं किसी ऑफिस में तो अपने एम्प्लॉयज को अपना कोऑपरेशन दें और उन्हें भी समझने की कोशिश करें। इस किताब में बताए गए लेशन को अप्लाई करने के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल ही बदल जाएगी। सक्सेस सिर्फ आइडिया से या सोचने से नहीं बल्कि सच में एक्शन लेने से मिलती है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, आज तो मौके आपके पास सामने हैं। वो ज्यादा देर आपके लिए इंतजार नहीं करेगा और न ही बार बार आपका दरवाजा खटखटाएगा। इसलिए इधर उधर देखना बंद करें और आगे बढ़ने की पहल करें। और साथ ही उसमें बताया गया, अपनी थिंकिंग को एकदम क्लियर रखें और एक टारगेट सेट करें। हमेशा इमेजिनेशन की पावर को यूज करके कुछ नया सोचें। आपका फोकस इतना जबरदस्त होना चाहिए कि यूनिवर्स की लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके सपने को साकार करने में लग जाए। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो अपने टाइम दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।